कैसे मर गई वो हथनी, इन लोगों ने उसे मारने की हिम्मत की। उनके जीवन का भी बटन अब करा जाए ऑफ, क्या जान लेते समय उनमें नहीं आया था कॉफ। इंसानों ने इंसानियत की हदें पार कर दी, एक बेजुबा की जान इस तरह ले ली। उस बेजुबा ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, अब तुम दलील लोगे, मेरा खेत उजाड़ा था। तुम उनके जंगल काटो तो सब कुछ ठीक है, पेड़ कितने काटे गए ये खबर नहीं लीक है। उसे मार दिया जो दोस्ती में है सबका यारा, उसे मार दिया जो जीवन में है सबका प्यारा। शायद इसीलिए कोरोना जैसे आए हैं काल, अगर और मरे जानवर इससे बुरा होगा हाल। बेजुबा है वो जानवर, बोल नहीं पाता है, तुम्हें क्या लगता है खुदा तक आवाज़ नहीं पहुंचा पाता है। पटाखे से भरा उसे खिलाया गया था फल, जिसके कारण हथनी का मुँह गया था जल। दर्द होने पर भी किसी को ना पहुँचाया नुकसान, अपना दोस्त समझ कर किसी की ना ली उसने जान। अपने मासूम बच्चे के जिंदगी के खातिर पानी में जाकर वो हो गई थी स्थिर। 3 दिन बाद पानी में तोड़ दिया था दम, पूरा देश उसकी याद में हो गया है गम। जैसी ऑफ एलिफेंट। वो बच सकती थी किसी ने नहीं की उसकी मदद, क्या लोगों में नहीं बची है अब इतनी भी समझ। अब रब तक पहुँचाएगी वो अपने दर्द की बात, विनायक से हम सब की फिर होगी मुलाकात। भगवान से सारी बात अब उतनी कहेगी, बिना बदला लिए अब वो उतनी ना रहेगी। अपने दर्द को वह किसी से नहीं कह पाई, क्या उसे देखकर किसी को इतनी रहमत ना आई। जानवरों के लिए इस दुनिया में बना है जंगल, इंसान क्यों इस जंगल में मचा रहा है दंगल। गणेश भगवान के रूप में होते हैं यह हाथी, इंसान ने क्यों बुझा दी उनके जीवन की ही बाती। ईश्वर से कह दो हाँ हम सब हैं पापी, शायद ऊपर वाला सभी को दे दे थोड़ी माफ़ी। किस भाषा में समझाया जाए पृथ्वी पर सबका रहना जरूरी है, ये संतुलन में रखना हम सभी की मजबूरी है। इंसानों तो थोड़ा तो खुदा से तुम डरते, उस हथनी के फल में बम तो ना रखते। कोरोना से लगता है तुम सब ने सबक नहीं सीखा है, ये तो मैं ट्रेलर है खुदा का तुमको कहर कहाँ दिखा है। यो 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 जैसी ऑफ एलिफेंट। Jesse off elephant.